जमशेदपुर स्थित टाटा कमिंस कंपनी के मैनेजमेंट को महाराष्ट्र शिफ्ट किए जाने का विरोध अब राज्य के मंत्री भी करने लगे हैं। जी हां, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कंपनी के इस निर्णय का विरोध करते हुए इस पर पुनर्विचार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि टाटा कमिंस के संस्थापक जमशेद जी नसरवान जी टाटा का पूरा शहर पूजा करता है, लेकिन वर्तमान समय में टाटा कंपनी के पदाधिकारी संस्थापक के सपने को तोड़ते हुए केवल व्यापार ही कर रहे हैं। अपनी नीति और अपने नैतिकता पर, तो मैं आज इन लोगों की जो इन लोगों ने गलत नीतियां अपनाई हैं इसके विरोध में मैं आपके बीच में आया हूं। और देखिए, जो जैसे सुनारी में भी इन लोगों ने 20 एकड़ जमीन को, जो जंगल झाड़ी की जमीन थी, उसको भी इन लोगों ने अवैध रूप से काट दिया है। मैं इसके विरोध में मैंने शासन को पत्र लिखा है, सरकार इस पे कार्रवाई अपने स्तर पर जरूर करेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। लेकिन सरकार और एक है, जमशेदपुर नगर निगम की स्थापना, हम औद्योगिक नगर का कड़ा विरोध करेंगे, क्योंकि तीसरे मत के अधिकार से जनता को वंचित नहीं किया जा सकता है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया, उसके बाद भी जो है टाटा कंपनी इन प्रकार से इस मामले को दबाना चाहती है, तो उसका भी हम विरोध करते हैं। इन लोगों को शेड्यूल 1 से 5 तक में, शेड्यूल 1 में 400 रुपये प्रति एकड़, और मैं इसकी एग्रीमेंट की कॉपी भी मेरे पास है, मैं आपको दूंगा। शेड्यूल 2 में इनका जो है प्रति एकड़ 100 रुपया, शेड्यूल 3 में प्रति एकड़ 100 रुपया, प्रति एकड़ शेड्यूल 3 में 2 रुपया, और 2205.98 एकड़ है। तो आप देखिए कि किस तरीके से इन लोगों ने कचरा वगैरह, पूरे शहर में कचरा का अंबार पड़ा है, और यदि ये कचरा वगैरह नहीं हटाएंगे तो हम विवश होके जिसको के कार्यालय में और संबंधित अधिकारियों के घरों में भी हम कचरा उठाकर डालने का काम करेंगे। ये हमारा ये सैद्धांतिक विरोध होगा, क्योंकि यदि इन लोगों ने ये कचरा का निष्पादन नहीं किया और शहर को इसी तरीके से आप देख लीजिए क्या स्थितियाँ हैं, मैरिन ड्राइव की स्थिति देख लीजिए, वहाँ पर पूरा का पूरा कचरा का अंबार लगा हुआ है। तो आखिर टाटा कंपनी को सरकार ने क्यों दिया है ये जमीन, और हम ये पैसा कैसे ले रहे हैं? 5% लोगों से जो इन्होंने पैसा लिया है, वो पैसा 5% रजिस्ट्री शुल्क इनको लेने का क्या हक है, और वो पैसा इन्होंने किस अधिकार से लिया है? और दूसरा है कि 10 MT का इन्होंने विस्तार किया है, तो 10 MT का विस्तार करने के पहले इनको सारी संरचनाओं को हटाने का काम करना चाहिए था, उसके बाद 10 MT का ये विस्तारीकरण करते, लेकिन उसके पहले ही ये जो है विस्तारीकरण कर लिया है। अब जो है अभी भी करीम सिटी कॉलेज और कुछ धार्मिक स्थल जो है वो पड़े हुए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इन लोगों ने कितना राशि इन लोगों ने CSR में खर्च किया है, वो उसकी भी हमने जानकारी मांगी है जिला प्रशासन से।